सलाम अलैकुम, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये सैमसंग गैलेक्सी A22, अभी फ़िलहाल 2 महीना हुआ लेने का। तो हमने तो A10 का देखा, A13, तो वो 500 GB हार्ड डिस्क सपोर्ट कर लेता है, बहुत अच्छी तरह से चलता है। तो आज बारी है इसका, देखते हैं कि यह कर पाता है या नहीं कर पाता है, कौन जीतता है और कौन हारता है, क्योंकि इसका प्रोसेसर थोड़ा उससे अच्छा है। तो हमें देखना है कि उस वो चलता है सही या ये चलता है, क्योंकि वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, फटाफट चलने लगता है। अब देखना है इसका। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और फटाफट मेरे चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो भी दोस्त मेरे नए हैं। तो गाइस, ये 6 GB रैम है, 128 GB का रोम है, और मेरे पास ये WD का 500 GB का हार्ड डिस्क है, और इसका है OTG कनेक्टर साथ में। तो इसको लगा के अब हम लोग चेक करने वाले हैं कि मोबाइल ये सपोर्ट कर पाता है या नहीं। तो आप लोग बने रहिएगा फटाफट मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और अपने फैमिली में, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। जिस भाई के पास है ये मोबाइल, तो वो भी बेचारा खुश हो जाएगा कि अगर हार्ड डिस्क उसका सपोर्ट करता है। तो गाइस, ये मैंने लगा दिया, देखो इसका लाइट बिलिंग कर रहा है, लाइट बिलिंग करता है, समझो सपोर्ट करने लगा है। दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पर 260 GB फ्री है, और सॉरी, ये 1 TB, 362 GB यूज है 466 GB में। अभी देखते हैं यार, ये भी तो बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। ये देखो, मेरा जो अंदर का फाइल वगैरह है, ये सब चलने लगा है। देखो, ये वीडियो बनाया था, ये वीडियो भी आ रहा है। बाकी इसमें स्नैपटॉप, छोरे कित जा है, कॉलेज में जाऊं बापू, रहने दे, आज कॉलेज में जाणते है क्या बात बापू, ये एक दिन में कितनी पटवारी मेरा लगता 4K ठीक वीडियो है है, बापू, उन भैया की जो चाल पहले है से क्या, रखा था अरे उन्हें डाउनलोड किले करके, जावड़े में 8-10 किले पाया ठीक और है बापू, जबरदस्त अरे यार चलता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं करता है। भाई, ये पहले सैमसंग का मोबाइल में नहीं चलता था, अभी तो अच्छा खासा चलने लगा है। पहले हम यही सोच के सैमसंग का मोबाइल नहीं खरीदते थे कि OTG सपोर्ट नहीं करता है, मगर अब तो चलने लगा है बेझिझक, आप कोई भी आदमी ले सकता है, और यह हार्ड डिस्क आसानी से चलने लगता है, तो गुड न्यूज़ है। तो गाइस, बेझिझक ये आप ले सकते हैं, जिसके पास से हार्ड डिस्क है। तो पहले तो ये सोच करके सैमसंग का मोबाइल कोई नहीं खरीदता था कि OTG सपोर्ट नहीं करता है, 500 GB का, जो 32 GB है जो मेमोरी कार्ड है वो तो सपोर्ट कर लेता है, मगर ये हार्ड डिस्क सपोर्ट नहीं करता है। तो आप ट्रांसफर करेगा टेंशन तो हम वाली, बिल्कुल मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा से चलने लगा है, अभी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप लोग बेझिझक ले सकते हैं सैमसंग का कोई भी मोबाइल। तो गाइस, अभी देखाया हमने 500 GB का हार्ड डिस्क सैमसंग गैलेक्सी A22 5G का, मगर ये भी बहुत अच्छा चलता है। अब टेंशन वाली बात ख़त्म, क्योंकि पहले जिस टेंशन से लोग मोबाइल ये नहीं खरीदते थे, क्योंकि हम खुद नहीं लेते थे सैमसंग का मोबाइल, ये सोच के कि OTG सपोर्ट नहीं करता है 500 GB का हार्ड डिस्क में। तो भाई, आप बेझिझक कोई भी खरीद सकते हैं, बिंदास चलता है। तब तक के लिए बाय बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।